मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार ही चुनाव जीते और पहली बार ही मंत्री बन गए हैं, बनने जा रहे हैं सोरेन के साथ ही गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर। बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर के चेहरे के जरिए कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की भी कोशिश जेएमएम की ओर से कि हम हर वर्ग के को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। गढ़वा से विधायक हैं, पहली बार ही चुनाव जीते हैं और मंत्री बनाए गए हेमंत सोरेन का भरोसा जीत लिया मिथिलेश ठाकुर ने, जेएमएम से नेता मिथिलेश ठाकुर जो कि गढ़वा से विधायक हैं। अनुभव नहीं रहा है ज़रूर, लेकिन फिर भी पांच ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहले भी मंत्री बनाया जा चुका था और उन्हें फिर से मौका दिया गया। उनमें से दो चेहरे आप कह सकते हैं बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर, जिनमें अनुभव की कमी रही मंत्री पद को लेकर अनुभव, लेकिन फिर भी एक भरोसा जीता है और कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी आप कह सकते हैं, जातिगत समीकरण और हर वर्ग को साधने की जो कोशिश होती है उसका उसकी भी एक कड़ी आप इसे मान सकते हैं। तो सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, मधुपुर विधायक हाजी हुसैन अंसारी, डुमरी से जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो, जोबा मांझी मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से विधायक और अब मिथिलेश ठाकुर मंत्री पद की शपथ ली है। सात चेहरे हेमंत मंत्रिमंडल में और जुड़ गए राज्यपाल जी, तो सात चेहरे और जुड़ गए।